अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं कर रही हूँ नाश्ता, नाश्ते के साथ ये केक। लेकिन ज़रा भी मज़ा नहीं आया क्योंकि मैंने चाय में जो है वो चीनी ज़्यादा डाल दी थी। और अगर क्योंकि केक भी मीठे होते हैं और जो चाय थी वो भी मीठी थी, तो वो मीठा मीठा दोनों वो चीज़ें मिक्स हो गई। अगर चाय के साथ मतलब कोई मीठी चीज़ खानी हो तो चाय में ना मीठा कम होना चाहिए, तब उस चीज़ का ज़्यादा मज़ा आता है। और आज हम आए हैं साग लेने के लिए। साग लेने हम इसलिए आए क्योंकि दादो वाले घर में सब बोल रहे थे कि आलू आलू आलू, मतलब सर्दियों की हर सब्ज़ी में आलू होता है, तो वो ना मतलब दिल नहीं कर रहा था कोई सब्ज़ी खाने को, तो इसलिए आज हम साग लेने आए हैं। आज हमारा सारा दिन जो है वो इसी में वेस्ट हो गया क्योंकि हम 10:30 बजे तकरीबन इधर आए थे और हमने फिर साग तोड़ा। फिर उधर से हमारे मेरे मामू वालों का घर और हमारा घर बिल्कुल पास पास है, ठीक है। तो वो ना हम साग तोड़ रहे थे और वो इधर से ना बाइक पे जा रहे थे कहीं पे, तो वो वहाँ पे रुक गए। फिर हम उनसे बातें करना स्टार्ट हो गए, बातों बातों में पता ही नहीं चला, 2 घंटे उधर ही गुजर गए। फिर हम घर आए, घर आके हमने खाना खाया, फिर उसको कट किया साग को दादा वालों ने, मम्मा वालों ने, सब ने है। मम्मा कट कर रही थी, मम्मा के फिंगर पे कट लग गया तो इतना खून निकला उधर से। फिर दादा ने साग कट किया। साग पकाने में हर बार तकरीबन पूरा दिन वेस्ट हो जाता है, पर ये है ना कि हम काफ़ी सारा जो है वो इकट्ठा ले आते हैं और उसको बॉयल कर लेते हैं, और जितनी ज़रूरत होती है उतना पका लेते हैं, बाकी को हम फ्रीज कर लेते हैं। तो मेरे मामू जो हैं वो मेरे लिए लेकर आए थे गोलगप्पे, दानी और बिलाल के लिए जो है वो बर्गर लेकर आए थे क्योंकि उनको वो अच्छा लगता है और मुझे गोलगप्पे अच्छे लगती हैं। आज के लिए इतना ही। अगर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।